तो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 48वें सूक्त में बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो हम जीवन के अंतिम क्षणों तक मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्यों में संलग्न रहेंगे, श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न रहेंगे, तो उसके अनुसार ही आगे हमारा जीवन सुनिश्चित होता है। जो व्यक्ति बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। ये बात हमने कही थी कि संसार का जो व्यक्ति बिना विचार के कार्य करेगा, मनन चिंतन पूर्वक कार्य नहीं करेगा, वह पछताएगा। और मनुष्य जीवन जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, सभी योनियों में सभी जीव जंतुओं में परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि से मनुष्य का तन हमको मिलता है, ये फिर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी कार्य करने थे, जो भी श्रेष्ठ कर्म करने थे, उन पर हमने विचार नहीं किया, उनका हमने सम्मान नहीं किया, बड़ों का और उनकी शिक्षाओं का, वेदों की आदेश उपदेश का हमने कोई भी आचरण नहीं किया है, तो निसंदेह व्यक्ति कुकर सुकर बनेगा, ऐसे योनियों में जाएगा, ऐसे जीवन में जाएगा, जीव जंतु ऐसे बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेगा और क्या। क्योंकि कर्म का फल अटल है, सुनिश्चित है, इसलिए हम कोई भी कार्य करें तो उसके पहले खूब विचार करें, विचार पूर्वक मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक ही कर्मों का अनुष्ठान करना हमारे लिए श्रेयकर है। जहाँ पर एक लक्ष्य है, जहाँ पर एक ध्येय है, वहीं पर व्यक्ति का जीवन साफल्य है। यदि कोई व्यक्ति आरंभ कर देता है अपनी यात्रा और उसको यही नहीं पता कहाँ जाना है, यात्रा कभी पूरी नहीं होगी, उसका सामर्थ्य भी क्षीण हो रहा है, उसका समय भी जा रहा है और लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। इसलिए छोटे से छोटे कार्य को भी, बड़े से बड़े कार्य को भी जब हम करें तो बहुत ही विचार पूर्वक, इसका क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, इससे समाज का हित होगा, अहित होगा, इससे व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन में और जीव जंतुओं के लिए सब कुछ इसमें समाहित करके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, यथार्थ क्या है, मिथ्या क्या है, उसको समझ करके जान करके ही जीवन में कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जल्दबाजी में या बिना विचार किए जो कार्य करते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं, मूढ़ कहलाते हैं, और उनका यह जीवन जो बहुत ही महनीय है यह भी नष्ट होगा और आगे आने वाला जो जन्म है वह भी नष्ट होगा, तो इससे हम बचें। और बहुत सुंदर बात कही है कि हम श्रेष्ठ कर्मों को भी करें, ऐसा नहीं कि हम विचार नहीं कर पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कर्तव्य तो करना है, कर्म करना है, बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, तो शत वर्ष पर्यंत क्रियाशील जीवन हो, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम श
शतवर्ष पर्यंत जो है उसके लिए बहुत सुंदर प्रार्थना कही, कहा कि ओम वायो शतम, ओम हरिणाम युवस्व ओष्याणाम ओष्याणाम उत वाते सहस्त्रणो रथ आयातु पाजसा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 48वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र पांचवा मंत्र है। ओम वायो शतम हरिणाम युवस्व पोष्यमाणाम उतवाते सहस्रिणो रथा आयातु पाजसा। ओम वायो शतम हरिणाम युवस्व पोषिणाम उत वाते सहस्रिणो रथा आयातु पाजसा। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। वायो शतम हरिणाम युवस्व पोष्याणाम उत वाते सहस्रिणो रथ आयातु पाजसा। हे वायो, हे गतिशील जीव, गमन करने वाले, क्रियाओं में संलग्न रहने वाले, आप
पोषणाम, पोषणाम जिनका उत्तमता से पोषण किया गया है, पोषणाम, ऐसे हरिणाम, ऐसे इंद्रियाश्वों को शतम शत वर्ष पर्यंत, युवस्व तू शरीर रथ में जोतने वाला हो, अंत तक तेरी इंद्रियां शक्तिशाली हो और तू क्रियाशील जीवन वाला हो, वायो शतम हरिणाम युवस्व पोष्याणाम। कितना सुंदर उपदेश किया है कि हम जब तक जीवन जिए तब तक हमारा तन मन स्वस्थ रहे, जीवन हमारा आरोग्यता से युक्त हो, मानसिक रोग शारीरिक रोग ना हो, इंद्रियां हमारी अंतिम श्वास तक कार्य करें, अर्थात आंखों में देखने का सामर्थ्य, जिह्वा में चखने का बोलने का सामर्थ्य, नासिका में सूंघने का सुगंध दुर्गंध का अनुभव हो, और कानों से शब्दों का सुनने का, त्वचा से स्पर्श करने का सामर्थ्य हो, इंद्रिय वैकल्य ना हो, इंद्रिय शक्ति हीनता क्षीणता ना हो, तो जीवन जीने का सुख, जीवन जीने का आनंद हमको मिलेगा। तो कहा कि 100 वर्ष तक युवस्व तो शरीर रथ में जो आरुण है, तो ये जो है तेरी इंद्रियां शक्तिशाली इंद्रियां हो, क्रियाशील जीवन वाली हो, निष्क्रिय बन करके, अक्रिय बन करके, आलस्य प्रमाद में जीवन को अस्त व्यस्त करके नहीं जीना। और कहा कि उत वा निश्चय से तेरा सहस्त्रिणहा रथ सदा प्रसन्नता से युक्त यह शरीर रथ पाजसा शक्ति से युक्त हुआ हुआ आया तो सदा क्रिया में प्रवृत्त रहे और लक्ष्य स्थान पर पहुंचने वाला हो। वेद मंत्र का भाव इतना है कि हम शत वर्ष पर्यंत शक्ति संपन्न होते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहस्त्रिणा क्रियाओं में प्रवृत्त रहे, सदा कर्तव्य कर्मों को करने में अपने सामर्थ्य को लगाएं, जो कर्तव्य नहीं है, जो अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र और संसार के लिए हितकारी नहीं है, ऐसे कर्मों को कभी नहीं करना। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन से, वाणी से, शरीर से कर्मों का अनुष्ठान करना ही पड़ता है। ये 3 साधन प्रमुख है कर्म करने के। या तो व्यक्ति मन से अच्छा कर विचार करेगा, बुरा विचार करेगा, सही ढंग से अपने जीवन को जीने का विचार संस्कार मन में जो चलते रहते हैं शुभ या अशुभ विचार के रूप में। दूसरा साधन है बोलना, वाणी से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं। ये 2 बातें हैं, 2 घटनाएं हैं, एक शुभ है, एक अशुभ है। दूसरा शरीर से, हाथ पैर से, जो भी कार्य करते हैं इन अंगों से, तो ये अंग अलग अलग जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब अपने अस्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। तो हम इन इंद्रियों के सामर्थ्य को बढ़ाएं, इन इंद्रियों को कार्य में लगाएं और जिससे इनका सामर्थ्य बढ़ सके ऐसे कार्य में लगाएं। तो धीरे धीरे कर्तव्य कर्म का हमको बोध होना चाहिए और उस कर्तव्य कर्म को करने
से पहले जो हमने वेद मंत्र पढ़ा था उसको समझना, विचार करना, चिंतन करना और कर्मों को करते रहना। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तो इनान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। और जब हमारे शरीर पुष्ट होंगे, अंग हमारे सारे कार्य करेंगे, तो हम 100 साल से भी, 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं। वर्तमान में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में कई कई अपवाद में लोग हैं। 100 वर्ष, 110 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष, 150 वर्ष, इतने लोग तो अभी भी कुछ ना कुछ अपवाद में मिल जाएंगे। और प्राचीन काल की जो संस्कृति रही है, जो संस्कार रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो उनकी जीवन शैली रही है, खान पान पर, आहार विचार व्यवहार, दिनचर्या पर उनका पूरा आधिपत्य था, पूरा नियंत्रण था। और वे फिर 100, 100, 200 वर्ष और इससे भी 400-400 वर्ष तक का आयुष्य उनको मिलता था। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्मों से बच करके व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। कर्मों से बच करके व्यक्ति कभी भी अच्छे विचार मन में नहीं ला सकता है। वह लोक सेवा भी नहीं कर सकता, अपना भी उद्धार नहीं करेगा, दूसरों का भी उद्धार नहीं कर पाएगा। परंतु शक्ति संपन्नता में हम जितना भी जिए, 100 वर्ष 200 वर्ष जितना भी जी सकते हैं, तो उसमें दुखी होकर के ना जिए। इस वेद मंत्र में ये बहुत सुंदर बात कही है, निश्चय से सहस्त्र ना रथा, सदा प्रसन्नता से युक्त हुए शरीर रथ में पाजसा शक्ति युक्त हुआ हुआ आया, तो सदा क्रिया में प्रवृत्त रहे। दुखी होकर के, परेशान होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के जीवन को जीने का आनंद नहीं मिल सकता। हाँ, यदि हमने चुनौतियों को स्वीकार किया है, चुनौतियों को अपने जीवन में अंगीकार किया है, उनको अपना अंग बनाया है, तो कोई हमको तनाव नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोई कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में थोड़े से भी वे असहन, जो प्रतिकूलता है उसको सह नहीं सकते, असहनशील हो जाता है। एक तो सहनशील, एक असहनशील। जो सहता है वही रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। इसलिए हमको ऐसे श्रेष्ठ बनना है जिससे जीवन और जगत हो, हम श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म हो, प्रसन्नता पूर्वक हम जी सकें, क्रियाओं में प्रवृत्त रहें, सदा सदकर्मों में लगे रहें। अलग जो हमारा रास्ता है संसार में जाने का, उस संसार में जाने पर भी हमारा पथ भ्रष्ट ना हो, हमारा न्याय पथ, हमारा धर्म पथ, हमारा अध्यात्म पथ सदा उन्नत हो, ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि यह जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा, जगत श्रेष्ठ कैसे बनेगा, तो उसके लिए नित्य वेदों का स्वाध्याय, वेद मंत्रों का मनन चिंतन, और सदग्रंथों का भी, और सत्संग का आनंद लें। तो सत्संग का, स्वाध्याय का, सेवा का ऐसा अवसर सबको मिलता नहीं है। बिरले लोग ऐसे होते हैं जो पढ़कर के एक तो पढ़ने का समय नहीं, सुनने का समय नहीं। बिरले लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उनसे भी बिरले व्यक्ति वो हैं जो उनको जीवन में उतारते हैं, और जो जीवन में उतारते हैं वे स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। और जो व्यक्ति इसको जीवन में उतारता नहीं है वो स्वयं मरता और मारता है, अपने जीवन को भी ऐसे मझधार में फंसा देता है और दूसरों को भी ले जाता है। इसलिए कहा है, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, रात दिन देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे।
रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग पर चलाते चलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्राण जाए प्रभु को भुलाओ नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, भक्ति दान का खजाना बढ़ाते चलो, भक्ति दान का खजाना बढ़ाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। तो मन का जो भ्रम है, मन का जो विवेक जब कार्य नहीं करता है, मन जब उलझन में फंस जाए, भटकने लग जाए, तो राह कौन दिखाए? राह दिखाने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए निसंदेह वेद सबसे सुंदर उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं। तो वेदों की शिक्षाओं को हम जीवन में उतारें और सत्संग करें, क्योंकि सत्संग से ही कुसंग मिटता है। सज्जना नाम संगति, सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति ही सत्संगति है। और कहा है, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, सत संगत मूल मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जीवन का यह अत्यंत महनीय हमारा पक्ष होता है कि हम अपने मन को कितना कंट्रोल करके, कितना इसको अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुष्ठान में इसको लगाते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा है, फिर आगे भी हम 49वें सूक्त को पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।